टू चलाना अ स्कूटी। ओके, आई एम 18 साल ओल्ड। नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। इस ब्लॉग में मैंने भारत पर्व की कुछ यूनिक चीजें ही कवर की हैं। ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं किया, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है स्टूडियो किचन, जो कि हम टीवी में देखते हैं जैसे शूट किया जाता है कुकरी शोज, पूरा उसको डिस्प्ले किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ गोवा की तरफ से, उन्होंने कंडक्ट किया। ये आपके हाथ में फ्रूट का पल्प है ना, सारा पीस का उसको मिक्सी में करके रख लिया हुआ है। ये है राजस्थानी कुल्फी। ओके, ये कौन सा फ्रूट? अनार। राजस्थान। हम भी राजस्थान के ही हैं। आप भी राजस्थान के हैं? बारवाड़ी हूँ मैं। ये ऑरेंज पूरा आँखों के सामने बनते हुए, पपाया, पपीता पूरा इस पे रगड़ेंगे एकदम नेचुरल। ये सूर्या की तो बनके रेडी हो गई है, एंजॉय कर रहे। कैसा है? बहुत यम्मी है। यम्मी, एकदम फ्रेश बन रही है सामने सामने। ये मूली का हलवा भैया बता रहे हैं, इसको मूली में, मूली को कस के और पूरा अच्छे से उसका निचोड़ के अलग ही तरीके से बनाया जाता है, बट यूनिक है। गुड़िया के बाल बनते हैं। पहले डाला शुगर क्रिस्टल। हाँ। ओके। ये बनता जाएगा। ये लोनी चलिया बना शुरू हो गया। स्नाट कब से चला रहा है देखो यार, पूरा बन गया, पूरा बन गया। ये रेडी हो गया कॉटन कैंडी। क्या अपने सर पे मटका उठा के मेरे जीते की समझा, मैं शर्मा दी मार या मिगे गंजी नहीं गला, अम्मा नी सुन बेटी मेरे जीते की समझा। जीजा साली के रिश्ते के ऊपर फोक सॉन्ग। This beautiful bread made by Delhi Institute of Hotel Management. उसे chopsticks में खाना expertise हो गया है। ये Goa Pavilion में I have ordered chicken casserole and rice. लाल किले के premises में बैठकर classical dance का आनंद, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। इतना पीछे जो background है और बहुत अच्छा लग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब इतना एक्टिविटीज, इतना लर्निंग था यहाँ पर, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी रखी है इस डिपार्टमेंट में, बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। आयांश को भी सर्टिफिकेट मिला है इसमें ड्राइंग में। इन लोगों को अवेयर करने के लिए पूरा बाय पिक्चराइजेशन और पूरा इंस्ट्रक्शंस, बोर्ड्स, डिस्प्ले, एक्टिविटीज, बहुत कुछ था यहाँ पर। They asked me 3 questions and I won the badge also. ये भैया ने मेरे हेलमेट का साइज बताया। और जो स्ट्रिप और चिन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 2 फिंगर होना चाहिए, और आपको हमेशा ISI मार्क चेक करके लेना चाहिए। इसकी वेबसाइट होती है ISI नाम से, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पर आप ये 4 नंबर दिख रहा होगा आपको, वो डालोगे आप तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर ये ओरिजिनल होगा तो, अगर लोकल होगा तो नहीं आएगी डिटेल। ये सड़क पर अगर कोई आपको मिलता है दुर्घटना, तो उसकी जान कैसे बचा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्स के डॉक्टर। एल्बो है और शोल्डर है, शोल्डर सीधा होना चाहिए, आपका मूवमेंट है आपका हिप से आना है, ठीक है, तो ये तो सीधा रखना है, उसके बाद एक मिनट में 100 से 120 बार प्रेस कर रहे हैं, ताकि इफेक्टिवली हम उसकी रूट देख सकते हैं। फास्ट फास्ट कर रहे हैं, इससे कम कर रहे हैं तो उसकी हेल्प नहीं हो पाएगी। बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं 120 पर मिनट, और वो तब तक करते रहना जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाए, या फिर आपकी हेल्प के लिए कोई और नहीं आ जाए, फिर आप दूसरे बंदे को बता सकते हैं। अच्छा, ये योगा का शायद मेरे लिए खाली छोड़ा है कि अंजलि आएगी तो करेगी। जस्ट किडिंग। सूर्या गेम खेल रहे हैं,
इसमें सब ग्रेन्स के नाम लिखे हुए हैं और जो ग्रेन आएगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुट्टू इसमें से ही है, इन सिक्स में से ही कुट्टू है। नहीं इसमें तो बहुत सारे ग्रेन्स हैं, इनमें तो कुट्टू नहीं है क्योंकि कुट्टू तो नहीं, कुट्टू ये नहीं है, कुट्टू तो ब्लैक कलर का होता है। कुट्टू नहीं है इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा है, अच्छा चलो फिर देखना पड़ेगा। ये हम ये नहीं बताएंगे है या नहीं है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है इसमें है भी। चलो देखते हैं, लेट अस ट्राई। देखो ये तो नहीं है कुट्टू। हां हो गया, हां सो यू गेस कर रहे हैं। ये नहीं जीत पाएंगे यार, नहीं जीत पाएंगे। नहीं हार मान ली, हार मान ली। चलो मैम अब तो बता दो, हमने हार मान ली। ये है कुट्टू का ग्रेन है ना, आटा नहीं ग्रेन। ये है आटा जो बनता है वो इसी से, इसी को तो ग्रेन पाउडर बना के आटा हो गया। आयांश को पता था। हाँ तुक्का अंधेरे में तीर मारा है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट, नेतृत्व मेजर अयांश नायना सरस के साथ अपना फोटो खिंचवा रहा है। यहाँ पे डिजिटल फोटो हमने खिंचवाया है और ये है एयर योगा फॉर वेलनेस। वाओ ये तो मैं करूँगी। ये करोगी? नेक्स्ट क्या लेना है अयांश? मिरेकल ऑफ स्रवस्ती, बिल्कुल एकदम जो भी कुछ यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये क्लिक किया, क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया व्यू, तो ये बिल्कुल देखो रियल व्यू आ रहा है। ये ग्लास का बना हुआ है और इस पर 3D इमेज बन रही है ग्लास के ऊपर, मस्त है एकदम, बहुत अच्छा है। यहाँ देखो हम देख रहे हैं, अरे ये देखो हमें Think with Bharat. Yeah, where diverse landscapes are matched only by the diversity of its people and culture. Okay, yeah, that this I'm thinking. अब मेरी भी same thinking हो गई। क्या हो गई? क्योंकि मैंने ये बोला। Virtual tour. उधर देखो। क्या देख रहे हो? अयोध्या? अयोध्या? कहाँ का ये? स्वामीनारायण temple. Location? बताओ अयंश क्या क्या देख रहे हो आप, बोलो। आपको लग रहा है पूरा देख रहा है। ओए कबूतर आ गया, कबूतर पैर मत रखियो, पैर मत रखियो। क्या क्या देखा अयंश बताओ? पता नहीं क्या क्या देख रहा था नीचे, ऐसा लग रहा था एकदम गिर जाऊंगा सीढ़ी से। वर्चुअल भी नहीं होगा, फील आई होगी ना। हां बहुत मजा आया मुझे। चलो ये कैसे प्रोसेस हो रहा है? गो नाउ स्टार्ट। अयंश इज प्लेइंग अ गेम। ये ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग बिन में ड्रैग करके डालना। बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटीज कंडक्ट की। अयंश का हाथ नहीं पहुंचा, थोड़ा हेल्प कर दो। तो अभी शाम हो चुकी है और लाइटनिंग्स है और ये डेकोरेशंस है। पूरा भारत एक एक ही जगह पे जैसे कहते हैं ना समा चुका है। थीम सॉन्ग ही है लाल किले में भारत आया, भारत ही समाया इंडिया। तो अब हम पहुंचे हैं स्टॉल की तरफ। असम ईस्टर्न, पूरा ईस्टर्न मणिपुर, मणिपुर के स्टॉल में। स्टॉल्स में मेनली नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर किया है यहाँ पर और बहुत सारी स्टॉल्स हैं, लगभग सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। क्या पहन लो अयांश, थोड़ा ठंड हो गई है। नॉर्थ ईस्ट का है सारा हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे स्टेट्स हैं तो सारे स्टेट्स तो ब्लॉग में कवर करना मुश्किल होगा और ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। नागालैंड ग्रेन्स हैं और ये वो जो लिक्विड है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, क्या जो टी है ये चाय है। अच्छा अच्छा हाँ ग्रीन ब्लू टी, हाँ अलग अलग है ब्लू टी ग्रीन टी। ये ब्लू टी ब्लूबेरी की होती है, ब्लू की मिंट है या ये ब्लूबेरी का है?
सिक्किम का पॉटरी करते हुए और ये वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय ऑल एयरफोर्स ऑफिसर्स और बहुत एक्साइटेड हैं सभी देख के सी द ह्यूज क्राउड ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव सीन फर्स्ट टाइम सिक्स सिग्मा परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं विदाउट एनी मिस्टेक completely professional. कोई कहेगा ये सब आर एयर फोर्स ऑफिसर्स हैं. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने और सुनने के बाद एक लाइक तो बनता है. चलिए जल्दी से क्लिक कर दीजिए. आयान सब अपना जो पॉट बनाया था वो भी लेके जा रहा है, कलेक्ट कर लिया है वो. अब वो घर में जाके उसे क्या करोगे आयान? डांस परफॉर्म बाय आर्टिस्ट. ये है नया भारत. आयांश ने पिक लिया है यहाँ पर. सूर्या ने डिनर में ऑर्डर किया है गलौटी कबाब. हो गया भैया. आयांश का बड़ा पाव रेडी है. वो महाराष्ट्र पैवेलियन से लिया. यूनिक है ये रागी मोमोस. इंस्टेड ऑफ मैदा वो रागी यूज़ किया हुआ है हेल्दी वर्जन का. ये चौमीन अंजलि ने ऑर्डर किया है. रागी की टिक्की, रागी की टिक्की जैसे आलू की टिक्की के बजाय ये रागी की टिक्की है. यहाँ पूरा का पूरा एवरी वर्जन रागी को प्रमोट किया है. ये कुछ स्टेट्स ने अपने अपने टूरिज्म को प्रमोट किया है. अनदर फोक परफॉर्मेंस जो कि देखो तसले को उल्टा करके ताल दी जा रही है. अभी डुगू और मोमोज एंजॉय करते हुए त्रिपुरा के स्टॉल से इन्होंने लिया. अलग है देखो, अलग टाइप का शेप है. नॉर्मली जैसे गुजिया वाला शेप होता है वो शेप कैसी है? चिली सॉस, पूरा स्पाइसी सॉस है. एक स्पेशल राइस बियर भी आया हुआ है. सूर्या राइस बियर ट्राई कर रहे हैं. ये बियर नहीं है. किसका बना होता है सूर्या? ये फर्मेंटेड राइस का पानी है. फर्मेंटेड राइस का पानी है. कैसा है? स्पाइसेस भी है थोड़े? नहीं, स्पाइसेस नहीं, स्वीटनेस है इसमें. अच्छा स्वीट है. हल्का सा मीठापन है. हाँ. बड़ा अच्छा होता है. दिस इज एन हेल्दी ड्रिंक. पेट को ठंडा रखता है. ओके तो अब बहुत थक चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया. बहुत ज़्यादा चल लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छी नई चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत कुछ सीखने को मिला. और ये बैच मिला है मुझे जिसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे. इट्स माय नॉट हर. नो इट्स माय. इट्स हर. यू हैव गॉट दिस बैच. आई नो हाउ टू चलाना अ स्कूटी. ओके. आई एम 18 साल ओल्ड. तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं. तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए. और ये रहे आज का थम्स अप.